पति के नाम पर संसद भवन होना चाहिए। आप गोलवलकर, सावरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसी भी चीज का नाम रखें, पर संसद भवन पर सिर्फ और सिर्फ हक है, अधिकार है, तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम एक मिशन पे आए हैं, बाबा साहब को बचाने आए हैं। तमाम बिल्डिंगों के नाम आप किसी पे भी रखिए, लेकिन एक जो संसद है जहाँ पर संविधान चलता है, जिस संविधान ने आपको जमीन पर अकड़ कर चलना सिखाया, किसने सिखाया? भीमराव अम्बेडकर ने सिखाया कि आप संविधान बनने से पहले इसी तरह यहाँ पर बैठते थे, कुर्सियों पर बैठते थे। आप तो जमीन पे बिना झाड़ों के चलते तक नहीं थे जनाब, कपड़े आपको नसीब नहीं होते थे। आपको ये अधिकार किसने दिया? भीमराव अम्बेडकर साहब ने। आप 3300 भगवान को मानते हैं, हम मना नहीं करते हैं, मानिए आप सबको मानिए, लेकिन आपका ओरिजिनल भगवान जो भीमराव अम्बेडकर है, जिसने आपको आजादी दी, जिसने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, आज उसका अस्तित्व खतरे में और आप चुप हैं। आप क्या चाहते हैं? आप गुलामों की नई कैटेगरी में आए कि भारत में सिर्फ कहलाए एक तरफ आए से पर दूसरी तरफ गुलाम? आप क्या चाहते हैं कि हम उसके लागू होते हैं? आपको ये बड़ा चिंता का विषय है कि कब तक ये जगाने का प्रयास चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। कब आप लोग जगाने का प्रयास करेंगे? आज की रैली यहाँ पर हुई है कि नई संसद भवन का नाम हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संसद भवन, पर ये एक आंदोलन काफी नहीं है साथियों, ऐसे बहुत आंदोलन होंगे और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आज आप खुद आए हैं, आने वाले आंदोलन में अपने साथ आप अपने जैसे 10 लोगों को और लेकर आएंगे। मैं भारत के 28 राज्यों में से एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड से यहाँ पर आई हूँ। मेरे साथ कई सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, वो भी अपेक्षा मैं आप लोगों से भी करती हूँ। बाबा जी, बाबा साहब द्वारा दी गई मैटरनिटी लीव का फॉर्म आपकी महिलाएं भी लेती हैं, बाबा साहब के दिए गए सारे उपभोग आप लोग भी लेते हैं, पर आप लोगों के अंदर आपके अंदर आपका गवाही नहीं दे रही है कि आप अपनी आवाज को उठा सके उस नाम के लिए जिससे आज आपका घर बन रहा है। कब तक ये जलाने की प्रक्रिया चलती रहेगी? क्या यहाँ पर भी आप किसी संगठन की अपेक्षा कर रहे हैं? ये बाबा साहब का नाम सबके लिए एक समान है और मैं इस मंच के माध्यम से तत्कालीन सरकार को यह कह देना चाहती हूँ कि इसे आप आंदोलन का रूप देने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप इसे आंदोलन पर विवश करते हैं, इसका मतलब आपकी सोच जाति गत सोच है। मैं अपने गुरु श्री भगवान सिंह टंडन जी को याद करती हूँ। बड़ी इच्छा थी कि उनके जीते जी यहाँ पर आऊं, पर नहीं हो पाया, पर आज अगर किसी भी कोने से वो मुझे देख रहे होंगे तो वो अपना अक्ष मुझ पर पा रहे होंगे। वो आज स्वयं चले थे, पर उन्होंने डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर ओम सुधा जैसे नवरत्न हमें दिए हैं, ऐसे रत्न दिए हैं कि जिनके अंदर काम करके आज हम खुद को बहुत ज्यादा स्वाभिमानी समझते हैं। आप लोग भी आइए, अपनी महिलाओं को लाइए, अपने बच्चों को लाइए। जीवन में खाना पीना सोना ये सब कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति भी यही सोचता तो कानून पर से इस्तीफा ना देता और आराम से नौकरी करता। इतना काफी है आप लोगों को ये बताने के लिए कि नई संसद भवन का नाम होगा तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा और डॉक्टर उदित राज जी ने ये पहल चलाई है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी संगठनों को एक बात कह देना चाहती हूँ, मैंने कैंपेन किया तो यह पाया लोग समर्थन तो करते हैं लेकिन उदित राज जी के नाम से पीछे हो जाते हैं, तो उन्हें मैं खुले मंच से कहती हूँ कि आवाज उदित राज जी ने उठाई है तो अंतिम समय तक उनकी आवाज होती रहेगी और मेरे जीते जी उनकी आवाज को झुलसवा नहीं है। ये दो नाम अजय और अमर रहेंगे, माहेश्वर राज सरकार और डॉक्टर उदित राज सरकार, जिन्होंने इस आवाज को परचम दिया है और जिनके प्रमाण आप लोग
धरती पर है? नहीं है हम धरती पर, हम अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं हाँ ये हमारी माँ है, ये हमारा बेटा है, ये दलित नहीं है, ये आदिवासी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये भारत का नागरिक है। इसको संविधान ने हक दिया कि ये अचल कर इस जमीन पर चले। और ये लोग जो मनुष्य की लाना चाहते हैं, ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हम सिर्फ हर हक त्याग देना चाहते हैं, हमारे सभी भाग बांटना चाहते हैं, भगवान ग्रहण करना चाहते हैं। और जब कोई दलित नेता आपके सामने आता है तो आप क्या कहते हैं? अरे जनाब ये अपना खुद चमकाना चाहता है। वो चमकाना नहीं चाहता, वो भी अम्बेडकर को बचाना चाहता है, आपके भगवान को बचाना चाहता है। और आप लोग हमें क्या कहते हैं? हमें समर्थन तक नहीं देते। आज कितने मुश्किलों से आप लोगों को जमा करा और तमाम लोग आप खड़े रहे, कुर्सियों पर बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? आप वक्त देने आए हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर सुनने आए हैं तो सुनने के आदाब होते हैं। आप शादी में जाते हैं वहाँ पर आदाब होते हैं, अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, सही से तरीके से खाना खाते हैं। अगर आप रैली में आए तो रैली के क्या रूल्स होते हैं? आप कुर्सी पर बैठिए, आपके सामने जो भी आपको सुनिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, गलत हो तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गलत है। लेकिन जब आप सुनने को भी तैयार नहीं, हम किस तरह मेहनत करेंगे इस समाज पर, किस तरह भीतर बैठकर के अस्तित्व को बचाएंगे, किस तरह भारत को बचाएंगे? हम ये चाहते हैं ये पार्लियामेंट हाउस जो बिल्कुल इल्लीगल तरीके से बना है, हमारा पहला संसद भवन अब भी 200 साल चल सकता था, उसके बावजूद मोदी जी ने 23,000 करोड़ का ये अपने खुद का दर हमारे ऊपर थोप दिया। और जनाब किस जब भारत मर रहा था, जब यहाँ पर कोरोना था, हर घर में अर्थियां थी और मोदी जी मुस्कुरा रहे थे, शमशान घाट में मुस्कुरा रहे थे, घरों में मुस्कुरा रहे थे, अस्पताल में मुस्कुरा रहे थे और 24 घंटे अपने ख्वाबों का महल बना रहे थे। और हम चुप नहीं भाई, नेता बोलेंगे, नेता क्यों बोलेगा? आप भी बोलेंगे जब जन बोलेगा, जब नेता बोलेगा। नेता आपने बनाया, नेता कहीं ऊपर से बन के नहीं आया। जब आपने नेता बनाया, आप नेता से पूछिए तूने हमारे लिए क्या करा, संविधान के लिए क्या करा। आपको मैं छोटी सी बात बताती हूँ। रात में एक दलित बस्ती में गई, दलित बस्ती का नाम था प्रियंका कैंप, मदनपुर खादर में थी जना। आप गूगल पर जाकर सर्च करिए, वहाँ पर लोगों की तादाद, झुग्गियों की तादाद 750 है। लेकिन आपको पता है वहाँ पर कितनी झुग्गियां है आपके समाज की? वहाँ पर